राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय समता समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई। भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ता बैठक दिनांक 20 जून को प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रजापति के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रजापति ने की। 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर महेंद्र प्रजापति ने अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता की और सबका सुझाव मांगा। वहीं साथ ही महेंद्र प्रजापति जी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, जहां पर उपस्थित रहे माननीय महेंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष BSSP घनश्याम प्रजापति, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव अंबिका प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं जौनपुर आजमगढ़ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। तो मिनिमम 1 रुपया है उस सत्संग का, और जब महीने का 30 रुपया होता है तो उसको बताया जाता है कि आप इसको रखा मत करो, आप कहीं से किसी डाक द्वारा जाओ और 30 रुपये को सत्संग भवन में दीजिए। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का रेट तय है। मैं शहर अध्यक्ष था, अंबिका जी की मीटिंग थी मुंबई में, मैं पेपर कटिंग देख के इनका मीटिंग अटेंड किया था। मैं 10 साल राजनीति में था, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का शहर अध्यक्ष जिले का। तो वो भी 351 रुपये लेती है हर साल, अगर आप नहीं देते हो तो ना तो आप चुनाव लड़ सकते हो ना तो कुछ लड़ सकते हो। इसके बाद एक रसीद दी जाती है आपको, वो रसीद 5 रुपये फाड़ना है, चाहे आप अपने फाड़िए चाहे तो उस रसीद को 50 पन्ने की रहती है, 250 रुपये अपने हाथ से दे दीजिए, आप रसीद अपने पास रखिए। तो ये सिस्टम पार्टी नोट छापने की मशीन नहीं है। ये जिला अध्यक्ष है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप उपाध्यक्ष है, कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कहेगा हमारे पास समस्या है, वो व्यक्ति मर गया है, उसकी मैयत नहीं जा रही है, तो आपके पास पैसा है दिन भर में अगर 5 लाख गए तो आप कितने पैसे उसको जलाने के लिए दो? पैसा नहीं है आपके पास। आप जब किसी अधिकारी थाने में जाने के लिए आप डरते हो, क्यों डरते हो? जब कोई थाना अध्यक्ष आता है, जब कोई कोतवाल आता है, आप उसके पास नहीं जाते। अगर किसी थाना अध्यक्ष कोतवाल की नियुक्ति होती है तो आप 4-5 दिन जाइए इसके पास, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए, एक गुलाब का। PP News 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।